अर्जुन को कृष्ण ने कृष्ण ने भगवान अर्जुन को दर्शन दिए विराट रूप के, तो वहां जो स्तुति की है वो स्तुति मैं यहाँ पेश करूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, तो जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई तो अर्जुन ने देखा कि दूसरी तरफ भी हमारे सारे बंधु बांधव हैं और आचार्य लोग हैं। घबरा गया, घबरा के उसने गांडीव रख दिया, भगवान से कहा, भगवान कृष्ण ने विनती की, भगवान ऐसे में युद्ध करके क्या करूंगा, तो मैं युद्ध होने के बाद भी मैं राज्य करूंगा तो किसके ऊपर राज्य करूंगा। भगवान ने देखा कि बड़े असमय में इस तरह से बातें कर रहे हैं अर्जुन, और उन्होंने वहां पे उनको ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया। उनके अर्जुन जो है थोड़ा सा विचलित सा हो गया, कहा कि कर्म करो, कर्मणे वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने के तुम्हारा अधिकार है, फल पाने का नहीं है, तो कर्म करो। और जो यहाँ सामने जो लोगों को देख रहे हो ना, वो ऑलरेडी मैंने निश्चित कर दिया है वो मरे हुए, तो एक निमित्त हो जो कि इनको मारोगे, तुम मारोगे नहीं, मैंने ऑलरेडी इनको मार दिया। मुझे कहा नैनम शर्दंत शस्त्राणि नैनम धरति पाव का, ये ऐसे अजर अमर है आत्मा, तो ये नष्ट होती है, आत्मा नष्ट होती आगे चलती जाती है, जब नश्वर है उसके लिए क्या करते चलते। तो ये सब लेक्चर भगवान ने दिया, उसने कहा कि महाराज एक बात है, हम विश्वास तो आपकी बात का कर ले, पर पहले अपने आप में आप अपना है आप कौन ये दिखाइए। भगवान ने उस टाइम पे उनको कहा कि ऐसा है कि आप हमारा दिव्य स्वरूप देख नहीं सकोगे, हम आपको दिव्य दृष्टि देते हैं। तो दिव्य दृष्टि देने के बाद में भगवान ने उनको दर्शन जो दिए, इतना विशाल स्वरूप था कि देख के अर्जुन जो था विचलित हो गया। अगर स्क्रीन मुझे दे थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार, स्क्रीन दे दिया आपने? यस सर, दे दिया। ओके ओके। हाँ अरविंद जी नमस्कार सर। कालरा साहब आप म्यूट पे आइए। मैं तो म्यूट पे हूँ, नहीं कालरा जी म्यूट पे आएंगे। कालरा जी हल्दा जी के पीछे सब्जी वाला बांट रहा है। हो गया हो गया, म्यूट हो। मैं कुछ दिखाना चाहता था स्लाइड भगवान की। धर्म सिलानी भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदा आत्मा सृजाम्य हम। और अर्जुन विषाद में चले गए, बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने दिव्य रूप के दर्शन दिए और उसके बाद अपना विराट स्वरूप दिखाया, और अल्टीमेटली अर्जुन ने रिक्वेस्ट की, भगवान अपना वही चक्रधारी रूप दिखाइए, मैं तो ये सब देख के घबरा गया हूँ। तो मैं स्तुति कर रहा हूँ भगवान की। पहले मैं संस्कृत में ही करता हूँ क्योंकि मुझे संस्कृत में ज्यादा अच्छे से जरा कंट्रोल है। वैसे किसी एक दीनानाथ भार्गव है जिन्होंने कि हिंदी में भी इसका अनुवाद किया हुआ है। मारि देवा पुरुषा पुराणा तमस विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परम च धामा त्वया तदं विश्वनन्तरूपम् वायुर्यमो अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिश्च प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्त कृत्वा पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते
नमः पुरस्ताद पुरुषतस्ते नमोस्तते सर्वदेव सर्व अनंत वीर्यम अत विक्रमस्तम सर्व समापनोविष्टो सके दिमत्वा प्रद्वम्य दुक्तुम हे कृष्ण हे यादव हे सकेत अजानता मै मानं तवेदम मया प्रमादाद प्रणेद्वापि यच्छा सार्दम असत कृषि विहार सैया सनुभोजनेशु एको अथवा अपि अच्युत समक्षम मे ताम हम अप्रियम पिता से लोक से चराचर से तमस्य पूज्य से गुरु गरियान न तस्मो अधिक कुनुवन्नो लोक्रय अपि अप्यम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रधाकायम प्रसादये ताम ईशम इदम अदृष्टपूर्वम् हस्तो सिद्धत्वा भवे च प्रतिजन्म मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम् प्रदेश देवेश वन्निवास क्रीडनम जगनम क्रीडनम चक्रम चक्रम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहमेव ततेव तदेव रूपेण चतुर्भुजेन शास्त्रभाव शव भाव शुभ भाव भाव विश्वमूर्ति मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुट धारण किए हे सहस्रभाव शुभ करो में चक्र और गदा लिए हे विश्वमूर्ति फिर मुझे वे सौम्य दर्शन दीजिए यही चतुर्भुज रूप है देवेश अपना कीजिए देवेश अपना कीजिए। कोरोना काल है भगवान से प्रार्थना है अपना चतुर्भुज रूप कीजिए अपना जो विशाल आप है उससे हमको मुक्त कीजिए धन्यवाद। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर भजन और बहुत जाना पहचाना है मीरा का भजन आभा माथुर जी गा रही हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आभा जी आए। थैंक यू महेश। मैं ये भजन गा रही हूँ इसमें जो राम शब्द का अर्थ है उसका मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहती हूँ। राम उस शक्ति को कहा गया है जो जिस शक्ति से सृष्टि की रचना हुई है और वो कण कण में बसी हुई है और भक्ति युग में के संतों ने इसको नाम कह या दीक्षा कह के बयान किया। जब मीराबाई को इसका गुरु ने दीक्षा दी तो उन्होंने ये बहुत प्रेम विभोर होके इस भजन की रचना की है। तो इसमें मैं आपको राम की शक्ति का बता पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने वस्तु अमूलक जे मेरे साथ गुरु वस्तु अमोलक दे मेरे साथ गुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पा यो जी मैंने नाम रतन धन पायो जन्म जन्म के पूजे पाए जन्म जन्म के पूजे पाए जग में सभी घुमाई पायो जी मैंने जग में सभी घुमाई पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्च न खूटे खर्च न खूटे चोर न लूट
थे घर चैन खोते चोर न लूटे देन देन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो सत के नाम खेवतिया सत गुरु सत के नाम खेवतिया सत गुरु भव सागर तरवायो भव सागर तरवायो प्रायो जी मैंने नाम रतन धन पायो ओ जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जस गायो हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो बहुत ही सुंदर जी बहुत ही सुंदर गाया आपने बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बहुत ही ज्यादा सुंदर वेरी नाइस अच्छा पिछले सुंदरकांड में हमने अध्याय में हमने जाना कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ पौधों को तहस नहस किया और खूब उत्पात मचाया उन्होंने हमने जाना कि हनुमान जी मूर्छित होने का उन्होंने स्वांग किया क्योंकि वो रावण दरबार में जाके देखना चाहते थे कि रावण की शक्ति कितनी है तो ये स्पाइंग का काम भी कर रहे थे जैसे लड़ाई से पहले स्पाइंग करते हैं तो एग्जैक्टली वही चाहते थे कि मुझे पकड़ के अंदर ले जाए उधर दरबार में तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना शक्तिशाली है ताकि जब इन पर अटैक किया जाए तो पूरा हम तैयारी करके अटैक करें तो आज हम सुनेंगे हनुमान जी रावण संवाद सुनेंगे क्योंकि अब वहाँ तो उनको पकड़ के ले गए अंदर दरबार में और ये बहुत ही दिलचस्प संवाद होने वाला है लंका दहन इसके बाद में तो लंका दहन तो जैसे आप जैसे पढ़ते जाएंगे सविता रुद्रा जी पढ़ती जाएंगी तो पूरी फिल्म आती रहती है सामने पूरी वीडियो फिल्म चलती रहती है साथ साथ में उसके बाद में हनुमान जी का सीता जी से विदाई लेना होगा तो आज सुंदरकांड का पाठ करेंगी सविता रुद्रा जी और दोहा 20 से लेकर 26 तक करेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम बहुत सुंदर अपना करने वाली हैं सविता रुद्रा जी आइए जी सविता जी एक बार थोड़ी साउंड चेक कर लेना ज्यादा तो नहीं है ठीक है बढ़िया बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बढ़िया आ रही है फर्स्ट क्लास आ रही है अभी तो आवाज आ रही है मेरी फर्स्ट क्लास आ रही है आवाज ठीक है चलो जी ठीक है अच्छा जी ओके जी मैं शुरू कर रही हूँ ठीक है मंगल भवन मंगल हारी द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वीरद संभारी करहु नारी
राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई सजन मूल जिन सरितन नाही बरसि गए पुनित बहि सुहाई सुनु दस कंठ कहूं पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं शंकर सहज विष्णु अज तो ही सकई न राखी राम कर दो मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग्यो तमी अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सदशरथ अजर बिहारी जदपि कही कपि अतीत बानी भगति विवेक विरत नैसानी बोला बिहसि महाय अभिमानी मिला हमई कपि गुण बड़ ज्ञान मृत्यु निकट आई खल तो ही लागसि अगम सिखान मोहि उल्टा हो ही कहे अनुमाना मति ब्रह्म तोर प्रकट मैं जान सुनि कपि वचन बहुत किसे आना बेगी न हरहु मूड़ कर प्राना सुनत निसाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए नाई सीस कर बिने बहुता नीति विरोध न मारई दूता आन दंड कछु करई गुसाई सबई कहा मंत्र भल भाई सुनत बेसी बोला दस कंदर अंग भंग करी पठिरो बंदर कपि के ममता पूछ पर सबई कहीं समझाए ते बोर पट बांध पुनी पावत देव लगाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रव सदशरथ अजर बिहारी पूछहीन बानर तै जइए तब सठ निज नाथ नहीं है जिनके कीन सी बहुत पढ़ाई दिखियो मैं तिनके प्रभुताई वचन सुनत कभी मन मुस्काना भई सहाय सारद मैं जान जात धान सुनि रावण वचना लागे रचे मूड सोई रचना रहा न नगर बसन धर तेला बाड़ी पूछ कीन कपि खेल कौतुक कह आए पुरवासी मारई चरण करई बहुमासी बाजई ढोल दही सब तारी नगर फेर पुन पूछ पजार पावक जरत देख हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता निबुक चढ़ई कपि कनक अटारी भई सबीत निसाचर नारी हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत अनुचास अट्टहास करी घर जा कपि बड़ी लाग अकास सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी देह विशाल परम हरु मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर भालो बिहाला
चपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु हा सुनई पुकारा, यही अवसर को हमही उभारा, हम जो ये कभी नहीं बोई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलू ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जारा नगर निमिषित मानी, एक विभीषण कर ग्रहणानी, तातर दूत या नल जेही सिर जा, जरा न सो तो ही कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी, चूदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई शम पर रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो पर जोर, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन या मंगल हारी द्रम सदशरथ अजर बिहार, दीन दयाल विरत संहारी हरम नाथ संकट भर, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करम दिन राति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करम दिन राति, मंगल भवन या मंगल हारी द्रम सदशरथ अजर बिहार, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत ही सुंदर, आप कितने लय में गाया, बहुत ही सुंदर लय में गाया, बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद, बहुत सो नाइस, सो नाइस। अब इस पे चार चांद तो तभी लगेंगे जब हमें पूरा भावार्थ पूरे समझ आएंगे इसके, तो मधु दीक्षित जी भावार्थ से शुरू कीजिए आप, असली मजे तभी आते हैं। नमस्कार जी, सबको नमस्कार, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो पिछले प्रसंग में हमने देखा कि किस तरह से हनुमान जी को मेघनाथ नागपाश में बांधकर रावण के दरबार तक ले आए। हनुमान को बांधना तो जैसा कि महेश जी ने शुरू में कहा भी, लीला ही थी। प्लीज साइलेंट हो जाइए थोड़ा सा, म्यूट कर लीजिए सारे लोग, ओके। तो ये हनुमान जी की लीला ही थी, नहीं तो जिनके पैर रखने से मैनाक पर्वत धस गया और जो 1287.48 वर्ग मील का शरीर जिनका लंबा हो गया, उनको भला कौन बांध सकता था। लेकिन क्योंकि अब उनका सीता का पता लगाने के बाद उनका दूसरा मुख्य कार्य था रावण की शक्ति का की था लेना, कितना बलशाली है, किस प्रकार का शासक है, उसके विषय में जानना।
तो उसके लिए उन्हें रावण के दरबार में जाना ही था। तो परिणाम स्वरूप वो रावण के दरबार के लिए बंध गए और आ गए, नहीं तो जिनका नाम लेके लोगों के बंधन टूट जाते हैं उनके दूत किस तरह से बंधन में बांधे जा सकते थे। हनुमान जी रावण दरबार में पहुंचते हैं और जब रावण हनुमान को देखता है तो बड़ा हंसता है कि ये बानर, इसने हमारी लंका का तहस नहस कर दिया, इतना छोटा सा बानर। तो फिर वो और सारे लोग लंकावासी जो हैं वो बड़े कौतूहलवश दरबार में प्रस्तुत होते हैं कि चल के देखें कि कौन बानर है जिसने कि लंका का सत्यानाश कर दिया। तो वो सारे के सारे बानर वहाँ पर पहुँच, राक्षस वहाँ पर पहुँचते हैं और ये भी उनको जिज्ञासा है कि देखें कि क्या सजा रावण उसको सुनाता है हनुमान को। परिणाम स्वरूप हनुमान जी दरबार में पहुँचे और हनुमान जी इन दोनों को ज़रा स्पष्ट रूप से देखेगा, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें हनुमान जी ने तीन बातें कही हैं। एक बात तो ये कही है कि उन्होंने अपने प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि उन्होंने ईश्वर की वीरता का वर्णन किया है। और तीसरी बात मानसिक रूप से हनुमान रावण को छोटा करने के लिए उसके ऊपर व्यंग कसा है कि वो कितना वीर है ये भी सब लोग जानते हैं। तो इन तीन बातों पर हम विचार करेंगे। जैसे कि कहते हैं हनुमान जी, सुनो राम ब्रह्मांड निकाया, पाई जसुबल विरचिमाया। मतलब मैं उन महान प्रभु का दूत हूँ जिनके माया से ये सारा संसार रचा गया। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ जो हमारी वैदिक संस्कृति है वो ये ऐसी नहीं है कि आदम और हव्वा ने या आदम और ईव ने एप्पल खाया और सृष्टि की रचना हो गई। हम जानते हैं कि एक पुरुष है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो शाश्वत है, सत्य है, और दूसरा एलिमेंट है प्रकृति जिसे हम माया कहते हैं, इल्यूजन, जो कि परिवर्तित होती रहती है, नश्वर होती रहती है। इन दो एलिमेंट्स के मिलने से जो कॉस्मिक एनर्जी पैदा हुई उससे इस विश्व की रचना हुई। आज तो सारा विश्व गॉड पार्टिकल को मानता है। तो इस जिसने उस ब्रह्मांड की रचना की और जिसकी कृपा से शेषनाग उस ब्रह्मांड को अपने सर पर धारण किए हुए हैं, मैं उनका दूत हूँ, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है कि हनुमान जी कहते हैं कि ये वो प्रभु हैं जिन्होंने शिव जी के धनुष को खिसकाना तो दूर, जो पिनक उनका शिव जी का धनुष था उसको खिसकाना तो दूर, उसके ऊपर उन्होंने तर्जनी साधी, मैं उनका दूत हूँ। अब वो वीरता बता रहे हैं अपने प्रभु की, जिन्होंने खल, दूषण, त्रिशरा, बाली इन सबको मार भगाया, इन सबको अकेले ही मार डाला। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। हम जानते हैं कि 14 वर्ष का वनवास तो कथा अलग बात है, लेकिन उनके जन्म का लक्ष्य ही यही था रामचंद्र जी के, कि दानवों से इस पृथ्वी की, सृष्टि की मुक्ति दिलाना, और इसी कारण वो 14 वर्ष के वनवास में आए और सबसे अधिक समय वो दंडाकारण्य वन में रहे। दंडाकारण्य जिसका हम यदि संधि विच्छेद करें तो दंड यानी पनिशमेंट और अरण्य यानी कि जंगल या वन, तो यहीं पर वो सबसे अधिक रहे। और इस वन का जो क्षेत्रफल था वो 35,600 वर्ग मील बड़ा वन था, बहुत विशाल वन था, और यहाँ पर बहुत दानव रहते थे और ऋषि मुनियों की यज्ञ पूजा में विघ्न डालते थे, उनके अनुसंधान में बाधा डालते थे। और इसी कारण दंडा जब हम ये अरण्य कांड पढ़ते हैं तो वहाँ पे रामचंद्र जी भुजा उठाकर प्रण लेते हैं, निश्चर हीन करहूं मही भुज उठाई पन कीन्हा। तो भुजा उठाकर वो प्रण लेते हैं कि दानवों से मुक्ति दिलाएंगे, तो इसी कारण वो यहाँ पर अधिक समय तक रहे। अब यहाँ पर ये फिर कथा है, कहानी है, हम सब जानते हैं कि सूपनखा किस तरह से
लक्ष्मण जी उनकी नाक कान काट देते हैं और वो रोती हुई अपने भाई खर दूषण और त्रिशरा के पास आते हैं। ये लोग पहले राक्षस भेजते हैं, रामचंद्र जी उन राक्षसों और लक्ष्मण जी राक्षसों को मार भगाते हैं। उसके बाद खर दूषण और त्रिशरा जो भाई हैं सूपनखा के, वो लोग आते हैं राम से युद्ध करने। राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि वो सीता के साथ वन में चले जाएं और अकेले ही, बात देने ध्यान देने योग्य ये है कि वो अकेले ही इनको मार गिराते हैं। और उसके बाद हनुमान जी कहते हैं बाली जैसे वीर को मारा। इस युग में, मैंने इसे पिछले प्रसंग में भी बताया था कि इस युग में चार महान योद्धा हुए। एक तो मेघनाथ टॉप पर था जो कि रावण का पुत्र था, दूसरा सहस्त्रबाहु, उसके विषय में आगे हम पढ़ेंगे, बाली और स्वयं रावण। बाली किष्किंधा कांत का और उसका भाई सुग्रीव, दोनों भाई थे, बड़ा प्रेम था, किष्किंधा कांत के वो स्वामी थे या वहां पर राज्य करते थे। और एक बार ये जैसे बाली का हमें पता है कि रावण ने किस, रामचंद्र जी ने किस प्रकार से उनको मारा, बड़ी लंबी कथा है, कथा में इतना विस्तार में नहीं जाएंगे हम। तो हमें इतना मालूम है कि एक बार मायावी राक्षस के साथ बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ और दोनों भागे मायावी राक्षस का पीछा करते हुए। मायावी गुफा में जाके छुप गया, बाली उसके पीछे पीछे गए और बाली ने सुग्रीव से कहा कि वो बाहर इंतज़ार करें, 15 दिन के अगर अंदर वो नहीं वापस आता है बाली तो समझ लेना कि मारा गया। महीने भर तक सुग्रीव ने वहाँ पर इंतज़ार किया और फिर एक दिन बड़ी तीव्र रक्त की धारा जो थी वो गुफा से निकली, तो बाली को लगा कि जैसे सुग्रीव की मृत्यु हो गई, सुग्रीव को लगा कि बाली की मृत्यु हो गई और वो वापस किष्किंधा आ गया और राज्यपाट संभालने लगा। लेकिन मृत्यु वास्तव में मायावी राक्षस की हुई थी। बाली किसी तरह से, जो कि सुग्रीव द्वारा बंद कर दी गई थी गुफा शिला से, उस शिला को हटा के बाहर निकला और किष्किंधा जब पहुंचा और उसने देखा कि सुग्रीव राज्य कर रहा है तो उसने उसको बड़ा फटकारा कि तुमने राज्य के मोह में तुमने शिला का मुंह बंद कर दिया और तुम यहाँ पे राज्य कर रहे हो, और उसको मार भगाया। बाली के पास वरदान था कि जो भी उसके साथ युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। तो सुग्रीव को उसने मार भगाया और सुग्रीव बड़ी मुश्किल से ऋषिमुख पर्वत, जहाँ पर बाली नहीं जा सकता था, उसको श्राप मिला हुआ था वो वहाँ नहीं जा सकता था, वहाँ पर जाकर उसने शरण ली। अब रामचंद्र जी जब सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा पहुँचते हैं तब उनकी सुग्रीव से भेंट होती है और सुग्रीव ये सारी कथा सुनाते हैं। अब राम को क्योंकि इन वानरों का साथ चाहिए, एक छोटा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि रावण को ये वरदान था कि वो सबको जीत सकता है, दैत्य राक्षस देवता सब जितने साधक हैं, यज्ञ यक्षी जितने लोग थे सबको जीत सकता है, लेकिन उसने वरदान में पशु और मनुष्य छोड़ दिया। उसने सोचा कि पशु मनुष्य को तो हरा ही लेगा, तो इसीलिए रामचंद्र जी को पशु होने के कारण वानरों का साथ चाहिए था। तो राम जी को सुग्रीव का साथ चाहिए था इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर सुग्रीव को कहते तुम बाली जी के पास जाओ और उससे युद्ध करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुग्रीव बाली से युद्ध करता है लेकिन जैसे कि उसको वरदान प्राप्त है कि सारी शक्ति उसको मिल जाती आदि, तो सुग्रीव हार जाता है। प्रभु के पास आता है कि प्रभु आपने ये क्या किया, आपने मेरी मदद की ही नहीं। तो रामचंद्र जी कहते हैं भाई तुम दोनों एक जैसे शक्ल के हो, मैं समझ ही नहीं पाया कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो उसके गले में फूलों की माला डालते कहते हैं अब जाके लड़ो। तो फिर सुग्रीव लड़ता है, तब फिर रामचंद्र जी आड़ में, क्योंकि उनकी शक्ति आधी बाली को ना चली जाए इसलिए आड़ लेकर वो बाली का वध करते हैं। तो ऐसा महान बाली जिसको उन्होंने अकेले ही मार गिराया, तो इतने महान हमारे प्रभु हैं और मैं उनका दूत हूँ, तुम उनकी पत्नी हर लाए हो तो मैं उन्हीं का दूत हूँ। अब तीसरी बात जो कह रहा है यहाँ पर कि मनोवैज्ञानिक ढंग से शत्रु को किस तरह इतना डिमोरलाइज कर दो कि वो युद्ध पहले ही मानसिक रूप से हार जाए। तो रामचंद्र जी वो हनुमान बड़े व्यंग से उनसे कहते हैं, रावण से,
जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बलि सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा। मतलब बड़ा व्यंग करके कहता है, तुम्हारी तो मैं जानता हूँ कितने बलवान हो, तुम वही हो ना जिसे सहस्र बाहु ने हरा दिया था। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इस युग का दूसरा जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था वो था कर्तव्यीर्य अर्जुन, असली नाम था। इसको दैत्रादेय ऋषि का वरदान प्राप्त हुआ कि इसकी भुजाओं में 1000 योद्धाओं का बल आ जाएगा, इसीलिए इसको सहस्र बाहु नाम दिया गया। एक समय नर्मदा नदी में ये अपनी रानियों पटरानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, तो इसने अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी के वेग को दोनों तरफ से रोक दिया। हम आज भी जानते हैं कि नर्मदा नदी बड़ी तीव्र गति से बहती है, बड़ी द्रुत गति से बहती है, और उस युग में तो बिल्कुल समुद्र की तरह बड़ी द्रुत गति से बहती थी, बड़ा विराट तट था इनका। तो दोनों भुजाओं से रोक देता है, तो परिणाम स्वरूप लहरों के रोकने से, आपस में टकराने से बड़ा शोर होता है। यही नर्मदा नदी में आगे थोड़ी दूर पर रावण जो था वो शिव जी की उपासना कर रहा था, पूजा कर रहा था, तो लहरों के शोर से उसको विघ्न उत्पन्न होती है और फिर वो बड़ा गुस्सा होकर क्रोध में उठता है कि ये कौन कर रहा है। तो देखता है सहस्र बाहु अपनी पटरानियों के साथ, रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है, तो उसको ललकारता है। सहस्र बाहु के साथ युद्ध होता है, दोनों बड़े भयंकर योद्धा हैं, काफी समय तक युद्ध चलता है, और उसके बाद सहस्र बाहु रावण को हरा देता है और बंदी बना लेता है। तब रावण के पितामह पुलस्त्य आते हैं और उसको छोड़ने के लिए विनती करते हैं, और तब रावण को सहस्र बाहु छोड़ता है। तो वही राम हनुमान जी कह रहे हैं, तुम्हारी तो वीरता मैं खूब जानता हूँ, तुमको तो सहस्र बाहु ने बंदी बना लिया था, और तुम अपने जो तुम्हारे पितामह पुलस्त्य जी हैं, चंद्रमा के समान जिनका यश है, उसमें तुम कलंक बन के मत आओ, और तुम रामचंद्र जी की क्षमा शरण में जाओ, उनसे क्षमा मांग लो। फिर कहता है कि समर बाली सन करी जसु पावा, कि तुम्हें तो बाली ने भी हराया था, बाली की भी वही जैसा कि अभी आप देख ही चुके हैं, और इसके यश के चर्चे पूरे जग में फैले होते हैं, और रावण नारद जी से बाली की वीरता के चर्चे सुनता है तो उससे घमंडी बहुत होता है, घमंड के कारण ही उसका अंत हुआ। तो वो किष्किंधा की तरफ चलता है और किष्किंधा पर आक्रमण करता है और ललकारता है बाली को। तो बाली पहले सुग्रीव को भेजता है, सुग्रीव युद्ध में हार जाता है, फिर बाली का रावण के साथ युद्ध होता है, और बाली रावण को हराता ही नहीं, अपनी बगल में कई वर्षों तक उसने रावण को दबा कर रखा, बाद में नारद मुनि के कहने पर उसने छोड़ा। तो भाई कि तुम्हारी वीरता के चर्चे मत बताओ, हम सब जानते हैं तुमको बाली और सुग्रीव सबने हराया, और मेघनाथ तो बेटा ही था, तो इसलिए तुम मान जाओ, अपना घमंड छोड़ो, राम नाम बिनु गिरा न सोई, देख बिचारी त्याग मद मोहा। तो सारा मोह और मद अपना सब त्याग कर उनकी शरण में जाओ जिनकी तुम पत्नी हर लाए हो, इतने वो महान हैं, इतने वो वीर हैं, और वो तुमको क्षमा कर देंगे, अब भी क्षमा कर देंगे। और मैं तुमसे फिर कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ, उनके बिना न वाणी शोभा देती है, न संपत्ति शोभा देती है, और जो राम विमुख हो उसे कोई नहीं बचा सकता, तो इसलिए तुम अब राम की शरण में जाओ, अब भी समय है। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ, यही संदेश देने आया हूँ, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें वो माफ कर देंगे। तो लेकिन राम तो जब किस चर्चा सब सुनता है रावण, तो थोड़ा घबराता जरूर है, लेकिन रावण फिर बड़ा घमंडी है, इसलिए कहता है, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आई है, तभी तुम यहाँ आए हो, तुमने हमारा प्रताप नहीं सुना क्या? और कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोई, और तुम मुझे सिखाने आए हो यहाँ पर, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा कोई सानी नहीं,
तो फिर वो कहता है कि लगता है कि इस वानर को, छोटे से वानर को लगता है कि इसकी मृत्यु निकट आई है, तो इसको मार दिया जाए। तो सारे उसके जो राक्षस लोग होते हैं दौड़ते हैं कि उसको मारने के लिए, उसको मृत्यु दंड देने के लिए, पकड़ने के लिए। लेकिन उसी समय विभीषण अन्य मंत्रियों के साथ दरबार में पेश होते हैं और कहते हैं नीति विरोध न मारे दूता, ये नीति के विरुद्ध है, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, तो कोई और उपाय कीजिए। तो रावण कहता है ठीक है। फिर सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठेव बंदर। तो इसका अंग भंग करके हम इसको भेजते हैं उन प्रभु के पास, उन इनके हनुमान के स्वामी के पास जिनके इतने गुण अभी हनुमान जी ने गाए हैं। फिर कहते हैं कि भाई बंदर की पूंछ बहुत उसको प्यारी होती है, तो उसकी पूंछ में आग लगा दो, घी में कपड़ा भिगो के इसके पूंछ में बांधो और आग लगा दो। हनुमान जी बड़ा मुस्कुराते हैं क्योंकि यही वो चाहते थे, उन्हें ऐसा लगा कि अब लंकनी और त्रिजटा का स्वप्न साकार होता नजर आया। और उन्होंने सरस्वती जी को बड़ा धन्यवाद दिया, क्योंकि हम कहते हैं ना ऐसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उन्होंने मतलब उनकी बुद्धि क्योंकि भ्रष्ट हो करी सरस्वती जी ने, और इस प्रकार से कपड़ा नगर से कपड़ा लाया गया, सारा कपड़ा नगर का समाप्त हो गया, घी समाप्त हो गया। अब वो सारा कपड़ा और घी लपेट कर, कपड़े को घी में भिगो कर उसको लपेटा गया और फिर हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया गया एक बंदी की तरह। लोग उसको, हनुमान जी को देख के हंसे, कोई किसी ने पैर मारा, लेकिन हनुमान जी चलते रहे क्योंकि अब आगे तो लीला उन्हें करनी थी आगे की। तो फिर उसके बाद उनके पूंछ में आग लगा दी गई। अब यहाँ फिर हनुमान जी अपनी विवेक बुद्धि से काम लेते हैं और फिर वही आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और अपना शरीर वो छोटा कर लेते हैं। छोटा करने से क्या होता है कि बंधन ढीले हो जाते हैं और वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और बस बंधन से मुक्त होते ही उछल कर वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर, महल की एक अटरिया से दूसरी अटरिया, और देखते देखते सारी लंका धू धू करके जल पड़ती है। अब जब लंका जलने लगती है तो सारी जो स्त्रियां हैं वो बड़ी भयभीत हो जाती हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। निबक उचड़ेउ कपि कनक अटारी, भई सबीत निसाचर नारी कि, और सब कहने लगती, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कोई साधारण बंधन नहीं है, इसमें बड़ा मायावी ब्राह्मण है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। कोई कहता, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तो देवतुल्य है कोई, इसको अगर जो इतना इसका अपमान किया जाएगा तो ये तो होना ही था। तो तरह तरह की लोग बातें करने लग जाते हैं, लेकिन हनुमान जी विभीषण का महल छोड़ बाकी पूरी लंका को जला देते हैं और अपने प्रेरणा से 49 पवन, क्योंकि वो तो पवन पुत्र थे, तो 49 पवन, कहते हैं कि पवन की 49 तरह की गतियां होती हैं, बिल्कुल मध्य मध्यम, फिर उससे थोड़ी तेज, फिर थोड़ी सी तीव्र, शीतल, झंझावत और तूफान की तरह, तो इस तरह की 49 प्रकार की उनकी गतियां पवन की होती हैं। तो पवन पुत्र ने बस पवन को इशारा किया, पवन खूब तेज से बहने लगा और देखते दे, और आपको हम सब जानते हैं कि पवन जो है आपको और अधिक प्रज्वलित कर देती है, और देखते देखते पूरी लंका जल पड़ी और हनुमान जी ने समुद्र में कूद कर अपनी आग बुझाई, थोड़ा विश्राम किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब माँ जानकी के पास जाना चाहिए क्योंकि अब वापस जाने का समय आ गया है। दोनों उनके जो लक्ष्य थे वो पूर्ण हो गए थे, परिणाम स्वरूप जनक सुता के जनक फिर अशोक वाटिका जहाँ पर जानकी माँ थी वहाँ पर पहुँचे और जनक सुता के आगे ठाड़ भये कर जोड़ी और हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़े हो गए कि अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो इस तरह से सीता माँ ने उनका स्वागत किया और वो श्रीलंका से वापस जाने की उनकी यात्रा अगले में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने सीता जी से आज्ञा मांगी और फिर वो श्रीलंका की तरह से रामचंद्र जी के पास पहुंचे।
तो ये थे आज का बहुत जी, आपका कोई जवाब नहीं है बाबा समझाने में बहुत सुंदर तरीके से दे रहे हैं। क्यों ऐसा बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, जल्दी खत्म हो गया। था ना आज, आज छह दोहे थे बस, वैसे होते हैं दस। वो इवेंट इवेंट वाइज ही चल रहे हैं ना। हाँ उसके साथ तो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी खत्म। अब आगे बढ़ रहे हैं जी, बहुत सुंदर भजन गा रही हैं सविता कुमार जी, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। आइए जी सविता कुमार जी। मैली चादर ओढ़ के, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है जी, आ रही है आवाज। नमस्कार सबको, आप लोगों ने सबने मिसे रुद्रा मिसे दीक्षित भाभी जी आभा भाभी जी सबने बहुत अच्छा समा बांधा बहुत अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं लगा। अब मैं अपना भजन शुरू करती हूँ। मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा, मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसी। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर आया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, मैंने मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारें टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसी। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया,
जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, तभी न शीश झुकाया। हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मेरी चादर पूरी की कैसी, द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर पूरी की कैसी, द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर पूरी की कैसी, मेरी चादर पूरी की कैसी। बहुत सुंदर था। तो आज की स्तुति और आज के भजन और सुंदरकांड का पाठ और इतने अच्छे भावार्थ सुनाए सबने अपने मधु दीक्षित जी ने, तो आज एक और भजन तो बनता ही है। आज का एक बोनस भजन है, तो अविता जी गा रहे हैं, हे राम जग में साचो तेरो नाम। तो अविता जी आइए। बिगड़े तू ही संवारे,
इस जग के सारे काम तेरा तेरा तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही जगदाता विश्व विधाता तू ही सुबह तू ही शाम बहुत ही सुंदर गाया जी आहूजा जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ग्रेट आहूजा।